हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फी जय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ एंड डेथ मॉडल। इसी को हम मॉडल वन भी, इसी से हम मॉडल वन भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे पहले ये मेरी थर्ड वीडियो है, और इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो प्योर बर्थ पे डाली थी, सेकंड वीडियो मैंने डेथ प्रोसेस पे डाली थी। मैं तो यही कहूँगा कि पहले वे दोनों वीडियो देख के आए, और इन दोनों वीडियो का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ये, क्योंकि वे दोनों वीडियो देखने के बाद ही ये आपको समझ में आएगी जो नेक्स्ट आज मैं ये थर्ड थ्योरम करवा रहा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट भी है। आइए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें बता देता हूँ, ये दो स्टेप में होगी सॉल्व। पहले स्टेप में तो हम करेंगे कि भाई टू ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ स्टेडी स्टेट इक्वेशन, और सेकंड में हम निकाल लेंगे इसकी डिफरेंस इक्वेशन। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें क्या है, इसमें है पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, ये MM1 मॉडल और इसको इन्फिनिटी, और ये FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये जैसे हम मोबाइल की सेल निकलते हैं ना, नए मोबाइल की, जैसे रेडमी वाले निकालते हैं सेल्स, जैसे हम कुछ टाइम दिया जाता है भाई, जो फर्स्ट पहले आता है वही प्रोडक्ट बुक कर जाता है, यानी तो कम सेकंड दी जाती है हमें, यानी जो पहले आएगा उसी को प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यही था। तो हम इसका फर्स्ट देखते हैं, टू ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ स्टेडी स्टेट इक्वेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एन यूनिट इन द सिस्टम एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर मे बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बाई यूजिंग फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी पॉइजन अराइवल एंड ए एक्सपोनेंटल सर्विस टाइम। यहाँ हम इसको सम ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की सहायता से फाइंड करेंगे। इसमें हम पहले क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या करते हैं, पहले में क्या किया हमने, देयर आर एन यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम टी, जब हमें पता था कि सिस्टम में एन यूनिट यानी कि एन कस्टमर हो और टाइम टी पे, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पी एन टी से। जी यहां देखो, जैसे ये दे रखा टी टाइम पे, ये टी टाइम पे एन यूनिट थे हमारे पास, फिर वहाँ पे कोई भी अराइवल नहीं है और नो सर्विस है, यानी ना तो अराइवल है ना सर्विस है, तो कुछ टाइम बाद डेल्टा टी टाइम पर, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर ये एन यूनिट रहेगी, क्योंकि ना कोई आया ना कोई गया। अब देखते हैं कि सेकंड पॉइंट बी, देयर इज नो अराइवल इन द टाइम, नो यानी कोई भी अराइवल नहीं, ना अराइवल ना होने की जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी वह क्या थी, वो थी 1 माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी, और होने की क्या थी, लैम्डा डेल्टा टी, तो यहाँ ना होने की है तो 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी। देखो ये दे दिया, डेल्टा टी इज इक्वल टू है 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी, और फिर सी में क्या कहता है, देर इज नो सर्विस इन द टाइम, यानी कोई भी सर्विस नहीं है, तो डेल्टा टी सर्विस नहीं है तो क्या है, 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, यानी कोई भी डिपार्चर नहीं हुआ तो 1 माइनस म्यू डेल्टा टी ना होने की, इज गिवन बाय, फिर क्या करेंगे हम, इन तीनों को आप प्रोडक्ट निकालेंगे जो ऊपर निकाले हैं पी एन टी और ये 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी, करते हैं इनका प्रोडक्ट, पी एन टी डॉट 1 माइनस लैम्डा डेल्टा टी डॉट 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। ये अब इसको हम इसको सोल्व करके ये लिखते हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सबकी, इसमें ना खाली डेल्टा टी वाली टर्मों को तो अलग रख लेते हैं, और जो हायर ऑर्डर की है टर्म जो डेल्टा स्केयर टी बनेगा वो उसको हम ओ वन डेल्टा टी में रखेंगे। जैसे ये ले लिया, जैसे पी एन टी इजिकल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू डेल्टा टी, ये वन ऑर्डर की है, ये तो इस साइड रख ली, बाकी जो इसको सोल्व करने कंप्लीट सोल्व करेंगे वन ऑर्डर वाली तो है ये यहाँ रख ली डेल्टा टी वाली, और जो डेल्टा स्केयर वाली है जो हायर ऑर्डर की है उसको हम इसमें रख लेते हैं, उसका नाम क्या दे दिया, ओ वन डेल्टा टी।
ओ डेल्टा टी इज द फंक्शन ऑफ डेल्टा टी। फिर हम नेक्स्ट केस में लेके चलते हैं इसका सेकंड में, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्रोबेबिलिटी। अब क्या लेके चलेंगे इसमें, क्या इसमें भी तीन वाइन लेके चलेंगे। इसमें क्या है कि भाई ये टी टाइम पे एन माइनस वन यूनिट है हमारे पास, यानी इतने कस्टमर है, और वहाँ पे नो वन अराइवल है, यानी अराइवल तो हुआ है मगर सर्विस नहीं हुई है। और डेल्टा टी टाइम के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी अराइवल तो हो गया, आ गया एक, और यानी यहाँ इसके n माइनस वन प्लस वन होगा, कैंसिल करके n ही बच जाएगा, क्योंकि गया तो है ही नहीं है, सर्विस तो हुई ही नहीं है, तो यहाँ n ही बच गया। तो इसमें फर्स्ट में क्या बोला है भाई, n माइनस वन यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम t, उसको रिप्रेजेंट करेंगे थे, यानी n माइनस वन यूनिट है तो p n माइनस वन t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर वन अराइवल हुआ है, वन बताया था कि भाई वन अराइवल होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, लैम्डा डेल्टा t, और इसी तरह सी में लेकर चलेंगे कि भाई सर्विस ही नहीं है, नो सर्विस इन डेल्टा टाइम टी, डेल्टा टी पे सर्विस ना होने की क्या, वन माइनस म्यू डेल्टा टी, नो सर्विस को ही हम डिपार्चर बोल देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे पीछे फर्स्ट में किया था, यहाँ भी तीनों का इनके प्रोडक्ट करेंगे, पी एन माइनस टी, लैम्बडा डेल्टा टी, वन माइनस म्यू डेल्टा टी, तीन प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है ना, हो तो उनकी गलती दी, फिर हमने यहाँ रखा। इसी तरह जब इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे हम, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्बडा पी एन माइनस वन टी लैम्बडा डेल्टा टी प्लस ओ टू डेल्टा टी, ओ वन तो वहाँ नाम दे दिया था, ओ टू ये हायर टर्म के ऑर्डर वाली टर्म में इसमें आएगी, यहाँ पे जो वन ऑर्डर वाली है डेल्टा टी वाली वो यहाँ रख लेंगे जब इसको सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट यानी एक वन ऑर्डर वाली है वो टर्म यहाँ आ जाएगी, और बाकी जो हायर ऑर्डर वाली है वो इसमें चली जाएगी। इसी तरह हम थर्ड लेते हैं, क्योंकि वो थ्री प्रोबेबिलिटी का बोल रहा था ना, तो अब एक और लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्रोबेबिलिटी। अब क्या लेते हैं, हमने n यूनिट ले ली, n माइनस वन यूनिट ले ली, अब क्या बच गया, अब हम n प्लस वन यूनिट और लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अराइवल तो है नहीं, नो अराइवल, मगर सर्विस है, वन सर्विस है, तो डेल्टा टी टाइम पे क्या हो गया कि भाई वहाँ से कोई चला गया, तो यहाँ एन प्लस वन माइनस वन होगा, वो वन से वन कैंसिल होगी, तो क्या बच गया, एन यूनिट बच गया। तो इसी तरह यहाँ पे रखा फर्स्ट ए में क्या रखा भाई, अब इसको थ्री में लिख दिया भाई, देयर आर एन प्लस वन यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम टी पे, तो क्या बन गया, पी प्लस वन टी बन गया। इसे डिनोट करते हैं इसे हम, फिर क्या है, नो अराइवल, कोई आया ही नहीं, यानी किसी कोई आया नहीं, तो क्या होगा, ना होने क्या थी, वन माइनस लैम्बडा डेल्टा टी। इसी तरह अगर कोई देर इज वन, यानी वन सर्विस आ गई इसमें, वन वन सर्विस इन द टाइम डेल्टा टी पर, वन यानी सर्विस होने की क्या है, म्यू डेल्टा टी आ की। और फिर वही किया भाई, ये जो पी एन प्लस वन टी आया है, ये वन माइनस डेल्टा टी आया है, म्यू डेल्टा टी, इनकी भी प्रोडक्ट करेंगे। फिर वही भाई इसको इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर की है वो तो ऐसे ही रख ली, और जो हायर ऑर्डर की है उसको ओ थ्री डेल्टा टी नाम लेके इसमें आ जाएगी वे सभी, बस जो डेल्टा टी है खाली वो तो यहाँ रख लेंगे, वो डेल्टा टी वन फर्स्ट ऑर्डर वाई टर्म जो अधिक की है वो इसमें चली जाएगी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एडिंग अबो थ्री इंडिपेंडेंट कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, हमने जो निकाली थी अब उनको ऐड करेंगे, बी ऑब्टेंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनिट इन इन द सिस्टम एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। तो निकालना यहाँ क्या आएगा, पी एन टी प्लस डेल्टा टी टाइम, फर्स्ट की आई थी ये, आ गई थी हमने ये जो हमारी आई थी ये फर्स्ट की प्रोडक्ट करके, देखो ये आई थी, ये वाली आ गई, ये रख ली, और इन तीनों से हमारी ये आई थी और एक ये आई थी, क्या किया है, इन तीनों को ऐड कर लिया, पी एन टी वन माइनस ब्रैकेट लैम्बडा प्लस म्यू डेल्टा टी, और पी एन माइनस वन टी लैम्बडा डेल्टा टी, और प्लस पी एन प्लस वन टी और म्यू डेल्टा टी, और
ये जो इन इन टर्मों के साथ में जो हायर ऑर्डर की टर्म थी ओ वन डेल्टा टी ओ टू डेल्टा टी ओ थ्री डेल्टा टी, तो इसको हमने एक सिंगल नाम दे दिया ओ डेल्टा टी, और यहाँ उसकी तीनों की जगह यहाँ पुट कर दी ओ डेल्टा टी, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया हमने नाम। फिर क्या करें, जो हमारी इक्वेशन वन आई थी, इक्वेशन वन को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने पीछे प्योर बर्थ में बताया था, प्योर डेथ में बताया था, उसमें वन वाली टर्म थी जो उसको सॉल्व कर लिखेंगे हमने ये माइनस वन वाली माइनस ये तो दे रखी थी पी एन टी प्लस डेल्टा टी, और उस ये इस साइड थे इस साइड आ गया ये माइनस बन गया पी एन टी, और ये जो बच गया रख लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड दे दिया, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड दे दिया, जो डेल्टा टी वाली टर्म है वो कट दियो, जो काट दी जो बच गई वो रख ली यहाँ पे। देखो कैसे किया था ये, फाइ ये आई कहाँ से है। ये यहाँ से आइए, देखो जब इसको सोल्व करेंगे ना क्या बन जाएगा, पी एन टी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस पी एन टी लैम्बडा प्लस म्यू डेल्टा टी, और ये पी एन टी कल उस टाइम को यहाँ लेके तो माइनस में आ गया, फिर माइन डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड दे दिया, यहाँ का डेल्टा टी कैंसिल होगा, यहाँ का कैंसिल हो गया, यहाँ का कैंसिल हो गया, फिर क्या किए लिमिट अप्लाई कर देंगे इसे यहाँ पे। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, ये आ गई हमारी। फिर क्या हमने हमने लिमिट ले ली, डेल्टा टी टेंड्स करेगा जीरो ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या किया जो ये वाली यहाँ रख ली दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, फिर क्या होगा डी पी ये डी डैश पी डैश एन टी लिखते थे इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई डी टी पी एन टी, और फिर क्या बच गया ये जो बचा हुआ है यहाँ माइनस लैम्बडा प्लस म्यू पी एन टी प्लस लैम्बडा पी एन माइनस वन टी प्लस म्यू पी एन प्लस वन टी और प्लस जीरो। ये जीरो कैसे आ गया कि जब यहाँ से देखो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा टी से टेंड करेगा जीरो की तरफ, तो जीरो ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इजिकल टू जीरो दे देगा ये इसको सोल्व करने के बाद, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, ये एन ग्रेटर देन जीरो के लिए था, इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। इन ए सिमिलर फैशन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो यूनिट, यानी नो यूनिट है तो एन इजिकल टू जीरो इन द सिस्टम एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे विल बी द सम ऑफ टू प्रोबेबिलिटी, यानी जब नो यूनिट हो और टाइम हो टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे उन दोनों प्रोबेबिलिटी का हम सम निकालेंगे, तो क्या होगा फर्स्ट में क्या था प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम टी, यानी ना तो एक भी कस्टमर है ना और नो अराइवल है, जब कस्टमर नहीं हो गए तो अराइवल कैसे हो गया, तो ये लिखना है भाई जब कस्टमर नहीं है यानी नो यूनिट है तो उसको पी नोट टी से डिनोट करते हैं, तो लिख दिया, और ना होने की क्या थी नो अराइवल वन माइनस लैमडा डेल्टा टी। इसी तरह जब सेकेंड में लेके चलेंगे दैट देर इज वन यूनिट इन द सिस्टम, अब वन यूनिट लेके चलेंगे एक कस्टमर, वन यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम टी पे, और वन यूनिट सर्विस, यानी एक एक कस्टमर आया भी और उसकी सर्विस भी होगी वो चला गया डेल्टा टी टाइम पे, और एंड नो अराइवल इन डेल्टा टी टाइम पे और आए नहीं, तो क्या करेंगे इसको करते हैं पी वन टी से, यानी वन यूनिट है सिस्टम में इसको पी वन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे क्या था वन यूनिट सर्विस यानी सर्विस के लिए कि डिवाचर के लिए म्यू डॉट डेल्टा टी है होने की, और जब नो अराइवल इन डेल्टा टी टाइम पे नो अराइवल यानी कोई आया नहीं फिर वन माइनस लैम्बडा डेल्टा टी, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे वही वही वन ऑर्डर वाली टर्म है उसको तो यहाँ रख लिया, इसको सोल्व करने के बाद जो हायर ऑर्डर के यानी डेल्टा के स्केयर में बन रही है जो उसको यहाँ इसमें ओ डेल्टा टी में रख लेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर वाली इसमें चली जाएगी पी वन टी म्यू डेल्टा टी। फिर क्या करेंगे, फिर एडिंग अबो टू प्रोबेबिलिटी जो दोनों निकाले हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो पी नोट टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे यानी कोई भी नहीं था जब कस्टमर, दोनों जो निकाली थी उसको ऐड कर लिया,
ऐड करने के बाद क्या किया, जब इसको सोल्व करेंगे अंदर पी नोट टी वन जाएगा, फिर माइनस पी नोट टी लैम्बडा डेल्टा टी, और ये आ जाएगा, ये पी नोट टी वाला इस साइड जाके माइनस में हो गया, ये बन गया यहाँ पे, जो बच की यहाँ रख ली टर्म में। फिर क्या किया, वही डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कैंसिल होगा डेल्टा टी, यहाँ से कैंसिल होगा, मगर यहाँ रख लिया डेल्टा टी, यहाँ वही आ गया। फिर वही प्रोसेस, नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये रख, ये आ गया, ये आ गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से वो पी डैश नोट टी रख लिया यहाँ पे, डी वाई डी टी लिख दो चाहे, इसको क्या किया, फिर यह क्या बच गया, ये माइनस लैम्बडा पी नोट टी प्लस म्यू वन टी और एन के एन इजिकल टू जीरो, यहाँ तो अभी मैंने पीछे बताया था जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो ये दो टर्म में बच जाएगी, यहाँ रख ली, इसको फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। तो ना सिंस अब क्या करेंगे हम, दो कंडीशन कंसीडर करेंगे स्टेडी स्टेट की, क्योंकि निकाली उसके लिए रहे हम, तो स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम कंडीशन आर कंसीडर, क्या लिमिट करेंगे टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू इन्फिनिटी और डी वाई डी टी पी एन टी, जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये जीरो दे देगा जब एन ग्रेटर देन है जीरो पे। इसी तरह जब हम लिमिट टी टेंस टू जीरो को टी टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और पी एन टी हमें पी एन दे देगा वैल्यू, विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टी। फिर क्या गया, फ्रॉम इक्वेशन टू और फोर, और से हम टू को तो ये ऐसे लिख सकते हैं और फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया टू और फोर में इनकी वैल्यू पुट कर दी, टू और फोर में ये डी वाई इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी और इसकी वैल्यू पी एन पुट कर दी, टू और फोर, देखो हमारी टू कौन सी आई थी, देखिए ये आ गया हमारी, इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे और ये जीरो पुट करने के बाद जो बच गई वहाँ वहाँ रख ली, उसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ का नाम दे दिया। इसी तरह हम जब हम फोर्थ में इसकी वैल्यू जीरो देंगे तो ये बच जाएगी, तो इसको हमने सिक्स नाम दे दिया, ये देखो ये रहा, यहाँ जीरो आ गया उसकी जगह, और ये बच की जो टर्म में इफ एन ग्रेटर देन जीरो फाइव इक्वेशन नाम दे दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आ गई और ये नाम आ गया इसका एन इजकल टू जीरो और सिक्स इशू आ गए। अब क्या करें, अब ये इनसे हमें क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ये इक्वेशन को तो हमें या तो याद करना होगा या फिर इसका एक किस्म से रट्टा ही लगाना होगा, या फिर वैसे तो निकाल के दिखा दी मैंने कैसी आई, रट्टा तो मारने की जरूरत ही नहीं है, कैसे निकली है ये हमें पता चल ही गया है। क्यों याद रखनी पड़ेगी ये, क्योंकि कई बार है ना एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि स्टेडी स्टेट की डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करो, तो हमने सीधा यहाँ इनका यूज करके सीधा ही आगे से स्टार्ट कर देंगे हम, अगर ये आठ नंबर में आता 16 में आता तो पूरा ही करना है, तो सारी निकालनी है। तो आइए हम इसका अब सेकेंड पार्ट करते हैं, जिसमें टू सोल्व द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, क्या किया है, द डिफरेंस इक्वेशन, ये जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन आई थी इससे ये आगे ये ले ली फिफ्थ, और इसी तरह हमने सिक्स इक्वेशन ले ली। अब क्या किया हमने, जब हम पी नोट निकालेंगे, पी नोट निकालेंगे तो पी जीरो ही आ जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन सिक्स जब एन इजिकल टू है जीरो, सिक्स से क्या आ गया, इस सिक्स इक्वेशन से इसे हम पी वन की वैल्यू निकालेंगे, ये तो जाके प्लस में होगा और पी वन तो यहीं रख लिया, म्यू नीचे चला जाएगा उसके, तो क्या आ गया, ये आ गया पी वन की वैल्यू आ गई लैम्बडा बाय म्यू पी नोट। इसी तरह हम पी टू की निकालें, पी टू की कैसे निकालेंगे, जब हम ये एन इजिकल टू वन पुट करेंगे इक्वेशन फाइव में, ये फाइव में इक्वेशन में ये एन इजिकल टू वन पुट करेंगे तो वहां क्या आ जाएगा, जीरो इजिकल टू माइनस लैम्बडा प्लस एम पी वन प्लस लैम्बडा पी नोट प्लस म्यू P2। और फिर क्या किया, इस P1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, ये रही P1 की वैल्यू, पुटअप कर दी इसमें, तो क्या आ गया माइनस लैम्बडा प्लस M और ये लैम्बडा बाय म्यू P0 प्लस लैम्बडा P0 प्लस म्यू P2 आ गया। फिर इसको अंदर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्बडा का स्क्वायर M P0 प्लस लैम्बडा P0 माइनस लैम्बडा P0 प्लस म्यू और ये P2 आ गया। तो क्या होगा, ये एक टर्म प्लस की एक माइनस की कैंसिल होगी, तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से P2 की जब इसको सोल्व करेंगे P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा बाई एम और उसका स्केयर और P0, तो यहाँ पे हमने रख दिया।
ये आ गई, ये ऐसे निकाली है। और इसी तरह जब हमने वन रखा टू रखा, यहाँ देखो जब वन निकाल रहे थे तो एन जीरो लेके चल रहे थे, और जब इसकी टू की निकाल रहे तो एन की वैल्यू वन लेके चल रहे थे, और इसी तरह जब पी एन की निकालेंगे तो पी एन माइनस वन वैल्यू लेके चलेंगे, तो लैम्डा बाई म्यू पी एन माइनस वन, तो क्या आ गया ये लैम्डा बाई म्यू और उसकी वैल्यू एन और पी नोट जब एन ग्रेटर देन देन जीरो, इसको सेवन नाम दे दिया। उसके बाद क्या किया हम टोटल प्रोबेबिलिटी को वन से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी वन होती है, तो क्या हुआ जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे जीरो की फिर वन की फिर टू की, क्या बनेगा पी नोट बन गया प्लस पी वन बन गया प्लस पी टू आ गया प्लस पी थ्री आ गया प्लस पी फोर पी फाइव एन तक चलेगा और इजकल टू वन। अब हम पी वन पी टू पी एन की वैल्यू निकाल के आए हैं, वो इसमें पुट कर दी, जब वैल्यू पुट कर दी तो हमें देखा जब हमने इसमें से पी नोट कॉमन लिया तो हमारे पास एक ये सीरीज बन गई। ये सीरीज क्या होती है, जीपी सीरीज होती है, उसको क्या लिखते हैं ए इजकल टू वन माइनस आर, ये रख दिया उसे सोल्व कर लिया वन बाय वन माइनस लैमडा बाय म्यू। और फिर क्या किया जब हम पी नोट तो यहीं रख लिया, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया तो क्या आ गया वन माइनस लैमडा बाय म्यू एट इक्वेशन, जो हमने जो हमारे पीछे सेवन इक्वेशन आई थी और एट आई थी उससे हम ये पी एन की वैल्यू करेंगे, क्या आ जाएगा लैम्डा बाय म्यू एन और वन माइनस लैम्डा म्यू, क्योंकि क्या पीछे क्या था हमारे, क्योंकि पी नोट की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हमने सेवन में पुट कर दी, जो हमारी ये सेवन आई है ना पी, ये जो सेवन आई है ये इक्वेशन सेवन आई है इसमें हम पी नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, पी नोट की जो वैल्यू आई है हमने पुट करी है वहां बस। ये देखो ये पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे, फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे ये इसको रो को वन इजिकल टू लैम्डा बाई म्यू लिखते हैं तो यहाँ इसकी जगह रो रख दिया, रो एन और वन माइनस रो ये किसकी जगह आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूज लेंथ, ये क्यू लेंथ के लिए प्रोबेबिलिटी है। थैंक यू गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।